आए आज हम फिर से जुड़े हैं उत्तरा दीदी के साथ और आज हम बात कर रहे हैं बाधक ग्रह पर। दीदी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार अनुराधा जी। दीदी बाधक ग्रह जो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो बाधक ग्रह किसे कहते हैं? देखो बाधक ग्रह जो है कायदे से जो हम मीनिंग उसका समझते हैं उसका मतलब यह है कि बाधा पहुंचाने वाला ग्रह, कुंडली में ऐसा ग्रह जो हमें बाधा पहुंचाए। लेकिन इसका जो मतलब है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हम प्रयुक्त करते हैं। शाब्दिक अर्थ की मतलब बाधा का मतलब कि हर काम में बाधा पहुंचाने वाला, जबकि कुंडली में ऐसा नहीं है। अपने जातक चंद्रिका में भी जो है लेखक उन्होंने इनकी इसके बारे में विस्तार से बता के बस छोड़ दिया है कि चर लग्न वालों के लिए ये भाव बाधक है, स्थिर लग्न वालों के लिए ये नवा भाव बाधक है और द्वि स्वभाव के लिए सप्तम भाव, बस इतना कह के उन्होंने छोड़ दिया है। जबकि इसका सिर्फ इतना सा ही मीनिंग नहीं है। बाधक भाव का जो अर्थ कुंडली में लिया जाता है वो स्वास्थ्य को दृष्टि में रखकर लिया जाता है कि जब भी बाधक भाव का स्वामी या वहां स्थित ग्रह लग्न से, अष्टम से या छठे से या द्वादश से संयोग करते हैं या इनकी दशा या अंतरदशा चलती है जिसमें बाधक ग्रह भी जुड़ा रहे, उस समय व्यक्ति यदि बीमार होता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं आती है, तो बाधक भाव का स्वामी या वहां के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, कारक होते हैं, वो उसको स्वस्थ होने में मदद नहीं करते वरन उसकी बीमारी को और बढ़ाते रहते हैं। और यदि उसके मारक भाव भी ऑपरेट हो रहे हों या मारक भाव से जुड़े हुए ग्रहों की भी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो ये बाधक भाव के स्वामी जो हैं या वहां के सिग्निफिकेटर्स उसको उसके जीवन के अंतिम क्षण तक ले जाने में मदद करते हैं, एक तरह से उसको ले जाते हैं, मृत्यु तक ले जाते हैं। ये जो है इसका सादा सा मतलब है सबसे पहला। तो हम बाधक भाव को हर काम में बाधा पहुंचाने वाला न समझें, सबसे पहले तो ये है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले किसी का लेक्चर सुना था, वो पंचम भाव से संबंधित कुछ बता रही थी महिला, तो वो फिफ्थ हाउस, उनको कुछ लेडी को कोई बीमारी थी, पी कोई एक होती है जिसमें गर्भाशय में अंडे बनते रहते हैं कुछ कुछ और बच्चे नहीं हो पाते। आजकल ये बहुत लेट मैरिज होना और लेट बच्चे होने के कारण वो बीमारी चल रही है, पीसीओडी शायद उसको बोलते हैं। अच्छा, है ना। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि 11th में चला गया है फिफ्थ हाउस का स्वामी और छठे भाव का स्वामी भी 11th में चला गया है, इसलिए बाधा आ रही है। जबकि केपी में भी, और हम ये मानते हैं कि जब तक सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस का संयोग नहीं होगा, इनसे जुड़े हुए ग्रहों की दशा अंतरदशा नहीं चलेगी, तब तक संतान नहीं होगी। तो 11th हाउस में उन्होंने कहा कि ये बाधक में चर लग्न है तो इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। जबकि हमने फिर गहराई से उस कुंडली में देखा तो कुछ और रीजन थे कि बांझ राशियों में ग्रह रखे हुए थे पंचम भाव से जुड़े हुए, इसलिए संतान नहीं हो रही थी और दशा अंतरदशा भी फेवरेबल नहीं चल रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाधक भाव हर काम में बाधा नहीं पहुंचाता। अब जैसे चर लग्न है, चर लग्न में हम देखते हैं कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, मकर लग्न, ये चर लग्न आती हैं। इन चर लग्न के लिए 11th हाउस जो है वहां का स्वामी, वहां स्थित ग्रह या वहां के सिग्निफिकेटर्स जो हैं बाधक भाव के सिग्निफिकेटर कहलाते हैं। लेकिन वो लाभ भाव है हमारा, हर चीज का जो गेन है, हर भाव से जो गेन मिलता है वो लाभ से जाके जुड़ता है, तभी हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि वो केवल 6 और 11 यदि जुड़ता है तो भी आपको गेन है जी, है ना। 8th और 11th जुड़ता है तब भी आपको गेन है, 12th और 11th जुड़ता है तो वो 12th हाउस का 11th हाउस है, तो बाहर से आपको गेन है। लेकिन जब लग्न साथ में जुड़ता है 1, 6, 8 या 12 से जुड़ता है, तब वो स्वास्थ्य को बाधा पहुंचाता है, आपको बीमार करता है। बीमार नहीं करता तो आपको स्वस्थ नहीं होने देता, बीमारी तो 6, 8वें भाव से हम देखेंगे, आपको स्वस्थ नहीं होने देता। ये जो बीमारी है
यदि 1-6-8 ये आपको मानसिक यात्राएं भी तो दे सकती हैं। छठे भाव से संबंध जो जुड़ी हुई बीमारियां रहती हैं वो ऐसी बीमारियां रहती हैं जो होती रहती हैं, ठीक हो जाती हैं, होती हैं ठीक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल बीमारियां नहीं होती। अष्टम भाव से जो होती हैं उससे जो बीमारियां होती हैं वो अचानक होती हैं, अक्यूट होती हैं और गंभीर परिणाम देने वाली होती हैं, वो सीरियस दर्द दर्शाती है। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो हमारे शरीर के किसी भी अंग दोष को उजागर करता है, अपंगता या कोई कमी बताता है, ऐसे ये भाव हैं। अगर मानसिक तकलीफ होती है तो उसमें चंद्रमा, बुध और सूर्य ये तीनों ग्रह किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व रहते हैं। सूर्य जो है हमारे आत्मिक बल का कारक है, यदि वो अष्टम भाव से जुड़ता है तो हमारा आत्मिक बल में कमी आती है और आदमी हर वक्त सोचता रहता है। चंद्रमा होता है तो मानसिक बल की कमी आती है और व्यक्ति भविष्य को लेके, भविष्य के लिए बुरी बुरी आशंकाएं करता है, है ना। और बुध जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को डाउन करता है, तो उसके कारण, नर्वसनेस के कारण भी मानसिक बीमारियां होती हैं, हाथ पैर घूट कांपने लग जाना, हाथ पैर फिसलना, बार बार नल पे जाके हाथ धोना या नहाने जाना, साफ बर्तनों को बार बार मांजना, ये सब भी एक रोग के प्रक्रिया है, इनमें बुध प्रमुख है। तो इस तरह से हम, अब जैसे हमने मेष लग्न के लिए बाधक ग्रह देखे, तो मेष लग्न क्योंकि चर लग्न है तो इलेवेंथ हाउस का स्वामी शनि है। अब शनि यदि कहीं भी हो सकता है कुंडली में, लेकिन अगर वो हमारे लग्न से और छठे भाव से, आठवें भाव से या बारहवें, 1-6, 1-8 या 1-12 से जुड़ता है, तो उन बीमार करने वाले ग्रहों की दशा, अंतर दशा में जब इसकी प्रत्यंतर आएगा या अंतर आएगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा, लेकिन हमें अन्य चीजों से लाभ मिलता रहेगा क्योंकि वो दशम भाव का स्वामी भी है और 11वें का भी है। तो कामकाज में कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी छूट जा रही है या आपको नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है, केवल स्वास्थ्य। इसी प्रकार चार लग्न हम ले लेते हैं, सारी कर्क लग्न आ जाती है। कर्क लग्न के लिए शुक्र जो है वो 11th हाउस लॉर्ड है, वहां स्थित ग्रह होंगे, उनको भी हमको देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र को क्योंकि वो वहां का स्वामी है। और शुक्र जो है एकादश भाव का भी स्वामी है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है जी। 4 और 11 का कॉम्बिनेशन हम बहुत अच्छा मानते हैं, चाहे वो मदर के हिसाब से अगर अपन देखें तो माँ के लिए वो अष्टम भाव हो गया, तो लग्नेश और अष्टमेश ऑपरेट होता है जब शुक्र की माँ दशा चलती है व्यक्ति की, तो माँ की चिंता, माँ से संबंधित परेशानी, लेकिन इसकी शिक्षा अच्छी बताता है जातक की। इसके अतिरिक्त उसको वाहन सुख देता है क्योंकि शुक्र है, स्वाभाविक कारक है, तो ये सब चीजें शुक्र उसको देगा। लेकिन जब वही छठे लग्न 1-6, 1-8 या 1-12 से जुड़ेगा, इसकी दशा अंतर दशा चलेगी, तो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उनको ठीक नहीं होने देगा। रोग तो रोग देने वाले ग्रह देंगे, ये ठीक नहीं होने देगा, ये रुकावट डालेगा ठीक होने में। इसके बाद हमारी आती है तुला लग्न, चर लग्न में। तुला लग्न में सूर्य हमारा बाधक भाव का स्वामी है। अब सूर्य तो अगर लग्न पे किसी के आ जाता है तो बहुत ही खराब है, वो एक तो नीच का हो जाता है, और उसके बाद अगर वो गुरु के नक्षत्र में हो गया सूर्य, तो सोच लीजिए वो छठे भाव से भी जुड़ गया लग्न में, बाधक हो गया, लग्न हो गया छठा, ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर रहेगा, हर वक्त कोई भी बीमारी उसको झपट्टा मार सकती है और वो जल्दी ठीक नहीं होगा। इस तरह से हम तुला लग्न को देख सकते हैं। और अगर कोई और अन्य ग्रह वहां बैठता है जाकर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह किन किन भावों का स्वामी है और बाधक भाव से जुड़ रही है, वो लग्न से जुड़ना उसका आवश्यक है, लग्न छठा, लग्न आठवां, तभी वो हमें बाधा पहुंचाएगा स्वास्थ्य में, अन्यथा नहीं पहुंचाएगा। अब हमारी आती है मकर लग्न, लास्ट में चर लग्न में। तो मकर लग्न को यदि हम देखते हैं तो मकर लग्न के लिए मंगल है, वृश्चिक राशि आती है एकादश भाव में, तो वो एक मंगल, और इधर मंगल को यदि हम देखते हैं तो ये चतुर्थ भाव का स्वामी है, यहाँ पर भी तो चतुर्थ भाव और एकादश भाव हो गया। इस व्यक्ति के लिए भी हम यही कहेंगे कि ये इसकी शिक्षा में सहायक होगा, मंगल पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, और साथ में जमीन जायदाद की दृष्टि से भी वो अच्छा है उसके लिए। किंतु यदि वो बीमार होता है और मंगल का अंतर या प्रत्यंतर बीच में आता है या उसका संबंध जुड़ता है,
तो वो अचानक दुर्घटना देता है। मंगल का कारक मंगल अचानक दुर्घटनाओं का कारक, एक्सीडेंट्स का या ब्लड से रिलेटेड कोई तकलीफ, तो वो इस तरह की तकलीफ है, चोट लग जाना, कुछ भी हो जाना, खून निकल जाना या जल जाना, ये सब परेशानी हमें दे सकता है। और यदि लग्न पर कोई ग्रह आ जाता है, इसमें मकर लग्न के लिए एक और बात है कि लग्न में सूर्य का नक्षत्र आता है मकर राशि में सबसे पहले 10 डिग्री तक। अब 10 डिग्री के अंदर अंदर कोई नक्षत्र है, कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए सूर्य ही आके बैठ गया, तो अष्टम भाव का स्वामी है सूर्य, जुट जाता है जी। और हाँ, तो ये सूर्य उसको ज्यादा खतरनाक देगा। अब अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर मकर में मंगल के नक्षत्र में हो गया, तो आप क्या करेंगे, मंगल का नक्षत्र भी है वहां 26 डिग्री 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, तो करेले और नीम चढ़े की स्थिति हो गई। लग्न जुड़ गया, अष्टम भाव जुड़ गया सूर्य, और बाधक भाव भी जुड़ गया मंगल के कारण। तो यहाँ जो नक्षत्र में भी हुआ, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो भी आपका सप्तम भाव जुड़ जाता है मारक भाव। हाँ, तब मारक भाव जुड़ेगा। हाँ, लेकिन उस स्थिति में मंगल होना चाहिए या कोई अकारक ग्रह होना चाहिए जो उसको मृत्यु तक ले जाए, है ना। तो सूर्य का, तो सूर्य से संबंधित जो भी अचानक हार्ट फेल हो जाना, हार्ट से रिलेटेड कोई तब समस्या, ये सब वो देगा और व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये तो हमारी चर राशियों के लिए 11th हाउस, लेकिन बाकी सब जितनी भी बातें होंगी उसके लाभ के लिए जो भी कार्य क्रियाकलाप होंगे उनमें कोई बाधा नहीं आएगी, इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखें। अब आती है हमारी बात का ध्यान आप सभी रखें कि दीदी के साथ हम एक नया अपना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, केपी का कृष्णमूर्ति पद्धति का कोर्स हम जनवरी एंड में शुरू करने जा रहे हैं दीदी के साथ, उसका लिंक भी हम यहाँ आपको देंगे। बहुत लोगों ने हमें बहुत पूछा है कि, और दीदी से फोन कर करके पूछते रहते हैं कि आपका कोर्स कब शुरू होने वाला है, आप कब ऑनलाइन पढ़ाएंगी, तो उन सब के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप इसका, इस अवसर का जरूर आप फायदा उठाएं। पूरा 4 महीने का कोर्स है जिसमें हम केपी कृष्णमूर्ति पद्धति के बेसिक्स डेफिनेटली कवर करेंगे, तो जरूर इस बात का ध्यान रखें और वेबसाइट के लिंक पे जाएं और रजिस्टर जरूर करवाएं। धन्यवाद। तो दीदी, आप जैसा बोल रहे थे कि ये मकर लग्न में, जैसे मैंने आपसे पूछा कि यदि सूर्य, यदि चंद्रमा ही बैठ जाए इसमें, यहाँ आपके मकर लग्न में, अपने नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में, तो भी क्या इस व्यक्ति को स्वास्थ्य के अनुसार प्रॉब्लम आएगी और मंगल की दशा, अंतर दशा या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं आएगी। वो मंगल के नक्षत्र में होगा तो आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो लग्न और बाधक से जुड़ जाएगा, हालांकि वो छठे से नहीं जुड़ रहा है ना। तो वो अगर लग्न में चंद्रमा आता है और वो भी अपने नक्षत्र का है, तो लग्न और सप्तम से जुड़े हुए फल वो देगा, उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं। हाँ, वो मार्केश बन सकता है, जब उसके लिए आपके मारक भावों की दशा आनी चाहिए या मार्केश चलना चाहिए, तब वो मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसे नहीं, वो बीमार नहीं पड़ेगा। सूर्य और मंगल, ये दो मकर लग्न वालों के लिए खराब भाव के स्वामी है, इनके नक्षत्रों में होने से ही उसको दिक्कत होगी, अन्यथा नहीं होगी। हमारे गुरु जी का बेटा मकर लग्न का ही था, उसका सूर्य भी शायद लग्न में था, मुझे याद नहीं आ रहा, अचानक मुझे ध्यान आया है, उसकी बहुत ही अल्पायु में, जॉब ही कर रहा था वो, उसके बच्चे भी छोटे छोटे ही थे, 5th 6th में पढ़ रहे थे, अचानक हार्ट फेलियर से उसकी डेथ हो गई थी। हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये बहुत पहले की, बहुत बरसों की बात है, 20-25 साल पहले। बाद में जब हमने ये धीरे धीरे पढ़े और गहराई में गए, तब मुझे ये समझ में आया कि ये तो सूर्य का कमाल है, सूर्य ने अचानक से ऑफिस ड्यूटी पर गया है और उसकी लाश घर पे आई, तो ऐसा केस। तो इसलिए मेरे को ये मकर लग्न के बारे में याद रहता है कि मकर लग्न में सूर्य का नक्षत्र, कोई भी ग्रह यदि सूर्य के नक्षत्र में हो तो वो खतरनाक है। मंगल के नक्षत्र में है तो खतरा तो नहीं है, लेकिन बाधक भाव से जुड़ना है तो वो स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य के बल। वो नौकरी अच्छी बनी कर रहा था, सिविल एविएशन में था, ग्राउंड ड्यूटी पर रहता था, बहुत बढ़िया, कोई एक्सर्शन की भी कोई ड्यूटी नहीं थी, लेकिन बस लगता नहीं था कि उसको हार्ट अटैक होएगा। 35-40 साल के लड़के की क्या उम्र होती है। हाँ, और उस समय इतना प्रेशर भी नहीं रहता था। नहीं, कोई प्रेशर नहीं था उस पर। जोधपुर में पोस्टिंग थी, मुझे याद आ रहा है अच्छी तरह,
लेकिन बस अचानक से हो गई, समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब हम देखते हैं स्थिर लग्न वालों के लिए बाधक भाव। स्थिर लग्न वालों के लिए नवम भाव का स्वामी और वहां स्थिर ग्रह जो है, स्थित ग्रह बाधक भाव का काम करते हैं। एक तरफ तो हम नवम भाव को भाग्य भाव मानते हैं, फिर हम भाग्य भाव को ही बाधक भी मानते हैं। तो भाग्य जो अपना काम कर रहा है उसमें हमारे कोई रुकावट नहीं आएगी। भाग्येश को भाग्य का काम, भाग्य की उन्नति, भाग्य से सहायता, ये सब जो क्रियाकलाप है वो तो उसके होते ही रहेंगे वैसे ही। लेकिन जब भी भाग्य भाव का स्वामी लग्न से जुड़े या लग्न पर हो, आप देखिए मोदी जी की कुंडली में भी भाग्य भाव का स्वामी लग्न पर है। यहाँ भी मैं नक्षत्रों का आपको कमाल बताती हूँ। एक कुंडली आज हमने डाली है, उसका विश्लेषण करेंगे बाद में, तो उसपे हम देखेंगे। लेकिन वृषभ लग्न के लिए जो है नवम भाव का स्वामी शनि ही आता है। शनि जो है वो ही वापस नवे भाव का स्वामी भी है और दशम भाव का स्वामी भी है। राजयोग कारक ग्रह है, ये बाधा किस प्रकार पहुंचा सकता है? हाँ ये है कि वो हर काम में धीमापन लाता है, देरी करवाता है, लेकिन काम में वो रुकावट नहीं डालता शनि। लेकिन जब स्वास्थ्य से जुड़ता है, एक छह के साथ कनेक्ट होगा, एक आठ के साथ या एक बारह के साथ, तब वो दिक्कत देता है। यहाँ पर इनके लिए गुरु थोड़ा सा परेशानी वाला हो जाता है। गुरु अष्टमेश है, हालांकि वो लाभेश भी है तो लाभ भी दे जाता है बिना मेहनत का, लेकिन अष्टम भाव का होने से चिंता भी देता है। तो यदि शनि किसी भी तरह से हमारे लग्न से जुड़ता है, लग्न और छठा मतलब कॉम्बिनेशन है एक छह या एक आठ या एक बारह, इन भावों से जुड़ता है, तो जब भी ग्रह की दशा अंतरदशा, रोग देने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य में बाधा आती है, रुकावट आती है। जैसे उसकी उसकी चाल ही धीमी हो जाएगी, वो चलेगा ही धीमे धीमे, उसके पैरों में तकलीफ हो सकती है या फिर उसके कमर में, बॉडी में कहीं भी दर्द हो सकता है, गठिया जोड़, जॉइंट्स पेन, ये कुछ भी मतलब उसको तकलीफ दे सकती है। आदमी जाएगा नहीं, जिंदगी नहीं, लेकिन वो तकलीफ पाता रहेगा। शनि इस तरह की तकलीफें देता है। तो इसलिए शनि का अपना स्वभाव है, तो अपने हिसाब से आपकी आपके स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाएगा। मेष लग्न के लिए भी यही है, वृषभ लग्न के लिए भी शनि ही। अब हमारे सिंह लग्न आ जाता है। सिंह लग्न भी स्थिर राशि है, इसलिए यहाँ पर भी जो नवा भाव है उसका स्वामी ही बाधक रहेगा। यहाँ पर नवे भाव का स्वामी मंगल आता है, यहाँ मेष राशि आती है, और मेष राशि और मंगल जो है इनके लिए स्वामी है, चतुर्थ भाव और नवम भाव, वो कारक ग्रह माना गया है मंगल। बहुत बढ़िया। और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आदमी इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई, मैकेनिकल लाइन से जुड़ी हुई किसी भी फील्ड में जा सकता है, मंगल इतना अच्छा है इनका। लेकिन वही है, जब स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले भावों से जुड़ता है या इसकी दशा अंतरदशा चले और उसमें एक छह से जुड़े, एक आठ से जुड़े या एक बारह से जुड़े ग्रहों की दशा अंतरदशा चले, तो ये स्वास्थ्य में अचानक बिगाड़ देता है। ये अचानक करता है, शनि धीरे धीरे करेगा, मंगल फटाक से, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, झट से चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारे इतने दिनों से एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरे साल भर में तीन चार हो गए, क्या है? कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो बाधक भाव का काम भी हो सकता है कभी कभी, वो देखना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए उस समय गाड़ी चलाने के लिए। इसके लिए हम सबसे बढ़िया उपाय ये बताते हैं एक्सीडेंट से के लिए, मैं बताना नहीं चाहिए लेकिन आ गई है बात तो मैं बता देती हूँ, कि जब टू व्हीलर हम चलाते हैं या फोर व्हीलर, तो हमें एक नारियल रख लेना चाहिए अपनी गाड़ी की डिक्की में, क्योंकि वो एक सिर का प्रतीक होता है, खोपड़ी का, तो उसके कारण ऐसा लगता है कि उसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल है, उसके साथ जा रहा है, तो वो उसकी रक्षा करता है। ये हमने उपाय बहुत लोगों को बताए हुए हैं, नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी गाड़ी में रख लो, टू व्हीलर में भी या फोर व्हीलर में भी। तो ये चीज हमें मंगल के उपाय के लिए हम बताते हैं, और ध्यान रखना चाहिए, रक्त से संबंधित तकलीफ हो सकती है उसको, क्योंकि ब्लड का कारक है मंगल, एनीमिक हो सकता है, उसमें खून बढ़े ही ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, कुछ भी तरह की जो ब्लड से रिलेटेड तकलीफ है वो हो सकती है जब भी
मंगल बाधा पहुंचाएगा स्वास्थ्य से संबंधित। बाकी तो बीमारियां जो छठा भाव बताता है या आठवां भाव अक्यूट बताता है वो हमें देखनी पड़ती है। अब आती है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लिए जो है चंद्रमा बाधक भाव का स्वामी है। चंद्रमा इकलौता ग्रह है, वो किसी और भाव का स्वामी नहीं है, उसकी एक ही राशि है। तो इसके लिए हमें चंद्रमा को ध्यान से देखना चाहिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है और किन किन किस नक्षत्र में बैठा है। जैसे अभी हमने मोदी जी की कुंडली तो पिछली बार देखी भी थी, मोदी जी की कुंडली में भी चंद्रमा वृश्चिक लग्न है और लग्न पर बैठा हुआ है, वो बाधक भाव का स्वामी है और उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। अब आप कहेंगे उनके तो स्वास्थ्य में टचवुड कोई बाधा नहीं पहुंच रही। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप चंद्रमा का नक्षत्र देखिए, गुरु का नक्षत्र है और गुरु उनका पंचमेश है, तो वो बाधा नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो पंचम भाव से जुड़ गया छठे भाव के नेगेटिव हाउस से, तो वो उनको स्वस्थ रख रहा है। और एक और कुंडली जो हम लाई रही है दीदी, उनकी परेशानियां आ रही हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ईश्वर की कृपा से, क्योंकि उसके पीछे और दूसरे रीजन भी हैं कि वो योग प्राणायाम ध्यान वो सब भी करते हैं, वरना स्ट्रेस तो बहुत है ही उनके ऊपर। और तो, ये भी बता दें कि दीदी का अभी एक बहुत सुंदर वीडियो भी आने वाला है, जिसका दीदी आपने जो मुझे पहले बताया था आपने किस पर आप शोधन कर रही हैं। हाँ वो मेरे है, हम लोग इस टॉपिक पे आगे काम करेंगे कि मैं नाम ही बता देती हूँ आप लोगों को, कर्म भाग्य ग्रह शांति और ज्योतिष। कि ज्योतिष में हमारे कर्मों का हमारे भाग्य का, नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है जी। और ग्रह शांति, हम तरह तरह की शांतियां यज्ञ हवन पाठ पूजा मंत्र चैरिटी ये सब करते हैं, उनका ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या योगदान है हमारे जीवन में, इस पे हम अगला कभी भी लेंगे टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा उसको सुनकर। तो ये हो गया, लेकिन जब हम वृश्चिक लग्न पर ही आते हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं, वो लग्न पे आता है बुध के नक्षत्र में। अब आप बुध को देख लीजिए, बुध अष्टम भाव का स्वामी है जी। मैंने ये कुंडली अभी डाली है आपकी, शायद आपके आएगी यहाँ पर, वृश्चिक लग्न डालते हैं इसमें। तो उस वो महिला है, जब उसकी चंद्रमा की महादशा लगी, एक तो वो बचपन में भी कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त रही है, कुछ ना कुछ उसका चलता रहा है, हेल्थ उसकी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन जब चंद्रमा की महादशा आई तब तो हद ही हो गई। मतलब कि पूरे 10 साल आप मानेंगे नहीं, वो डॉक्टरों के चक्कर ही लगाती रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, कभी उसको नई नई बीमारियां, रेयर डिजीजेस जो कभी सुनते नहीं हम, ऐसी अजीब अजीब सी, डॉक्टरों ने नाम बताया, मुझे नाम भी पता नहीं है उनके, अजीब। और तकलीफ पाई, हॉस्पिटलाइज तक होती रही, उसको हीमोग्लोबिन चढ़वाने पड़े, और भी बहुत सारी तकलीफें थी। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की महादशा खत्म हुई है, टचवुड इस साल खत्म हुई है उनकी, फरवरी में खत्म हुई है, उसके बाद ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ है, बढ़िया है, मंगल है, लग्नेश है, उच्च का मंगल बैठा हुआ है इनकी कुंडली में तीसरे भाव में, जो आयु भी दे रहा है और गुरु के साथ है। तो ड्रामेटिक मतलब बाधक ग्रह कैसे काम कर रहा है और उसके खत्म होते ही कैसे ड्रामेटिकली आप स्वस्थ हो जाते हैं, ये देखने वाला एक उदाहरण है इसमें। ये वर्किंग है लेडी, घर पे नहीं रहती है, तो उस बीमारी में ये नौबत आ गई थी उसको चंद्रमा की महादशा में कि अब मैं नौकरी छोड़ दूंगी। साल भर वो छुट्टी लेकर रही है, लीव विदाउट पे। और दीदी यदि देखा जाए तो जैसे आप नक्षत्रों का बोलते हैं, वर्णन करते हैं, आप देखे तो चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र यानी कि बुध का नक्षत्र जो अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है। अष्टम भाव आपने हमेशा ये बोला है थ्रू आउट दिस, अभी तक जो हम लेक्चर सुन रहे हैं, आपने बोला है कि एक आठ एक छह युति होने से आपको कष्ट देगा, और ये एक आठ की युति बाधक ग्रह की युति, बिल्कुल ये एक आठ होने के कारण उनको ऐसी अजीब अजीब सी बीमारियां और अचानक जो सुनने में भी नहीं आती है, मैं बता रही हूँ ना, अननोन रेयर डिजीजेस, डॉक्टरों ने कहा दिया ये रेयर होती है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसको गेहूं खाने से मना कर दिया, तुम गेहूं नहीं खा सकते, पता नहीं क्या क्या मतलब उसको बोला गया था, बहुत अजीब अजीब सी। और अब सब ठीक है,
अब वो गेहूं भी खा रही है और चावल भी खा रही है, ऑफिस भी जा रही है, आठ आठ घंटे ड्यूटी भी करती है, फुर्ती से अपना सब काम करके चली जाती है। तो ये दशा का भी फर्क पड़ता है और बाधक भाव का भी फर्क पड़ गया कि वो बाधक भाव है। मैं इसकी कुंडली को बहुत ध्यान से रिसर्च कर रही थी कि कब ठीक होगी, बहुत परेशान थी ये खुद भी महिला। तो जैसे ही मंगल लगा हमने चैन की सांस ली और वाकई हमारी जो थी थ्योरी कि भाई अब ये ठीक हो जानी चाहिए, वो ठीक हो गई। तो अब हम आते हैं कुंभ लग्न पर। अब कुंभ लग्न जो है स्थिर राशि वालों के लिए एक अंतिम लग्न है स्थिर राशि की। इसके लिए भी जो है शुक्र है नवम भाव का स्वामी, लेकिन शुक्र इनका वापस चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और राजयोग कारक भी है। तो ये ग्रह उनको माता पिता से भी बहुत प्रेम अच्छे संबंध रखता है, प्रेम प्यार और गाड़ियों से बहुत शौक दिलवाता है। लेकिन यदि ये शुक्र जो है या यहाँ पर स्थित ग्रह किसी भी तरह से वही जैसा हमने बताया 1-6-1-8 से जुड़ते हैं तो कम उम्र में शुक्र से संबंधित तकलीफें या जो और कई तकलीफें जो हैं बीमारियां जो लग्न या छठा भाव हमें दे सकता है, चंद्रमा है जैसे इनका छठा भाव का स्वामी, तो चंद्रमा और ये ग्रह शुक्र किसी प्रकार से संयोग करते हैं और वो भी लग्न से जुड़ते हैं या शनि से जुड़ते हैं तो ये इस प्रकार की बीमारियां जैसे डायबिटीज ही हो जाती है या गला खराब रहना, इम्पोटेंसी हाँ इम्पोर्टेंस भी हो सकती है। वो खैर हमें उसको देखना पड़ेगा बारीकी से, हम ऊपर से देख के, क्योंकि चंद्र शनि जरूरी नहीं है इम्पोर्टेंस ही दे ही सही। हाँ, हाँ कम ही ला सकते हैं कि भाई वो ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक संबंधों में कम रुचि होती है, रुचि ही नहीं होती, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बाकी शुक्र के जो भी रोग हैं स्त्री रोग या पुरुष रोग या गुप्त रोग, इस तरह की समस्याएं को ये बढ़ाने का काम करेगा। यदि किसी को इस तरह की समस्याएं होती हैं तो शुक्र उसको बढ़ाएगा। हालांकि वो बीमारियां ऐसी रहती हैं जो किसी से कहीं भी नहीं जाती हैं, लेकिन उनके इलाज चलते रहते हैं, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी द्विस्वभावक राशियों के लिए। द्विस्वभावक राशियों में आती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इसमें हम जो है मिथुन में जब देखते हैं, एक चीज है कि यहाँ पर जो बाधक भाव है वो सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव में स्थित ग्रह है। सप्तम भाव हमारे लिए मारक भी है, तो मारक और बाधक बनकर द्विस्वभावक लग्न वालों के लिए जो ग्रह है काफी खतरनाक हो जाता है। जैसा भी हम वो भी कहते हैं ना कि केंद्र अधिपति दोष, केंद्राधिपति ज्यादा हावी होता है क्योंकि वो केंद्र का स्वामी भी है, मारक भी है और बाधक भी है, और केवल ये दो ही ग्रह होते हैं, या वो बुध होता है या वो गुरु होता है। तो कभी वो चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, कभी वो सप्तम भाव का स्वामी होता है। तो ये भाव बहुत अच्छे हैं, चतुर्थ और सप्तम है तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए, पार्टनर के लिए, उसके नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। मिथुन लग्न के लिए कन्या चौथे भाव में आती है, गुरु सातवें और दसवें भाव का स्वामी है, तो उसके व्यापार के लिए, उसके जीवन साथी के लिए, उसके पार्टनर के लिए ये गुरु बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु जब बाधक भाव का रोल करता है तो बीमारी को बढ़ाता है, फिर उसको कम नहीं करेगा। तो ये कैंसर जैसे रोग को भी बढ़ाता है, कैंसर जैसे रोगों का कारक है। वही मैंने कहा कि ये बाधक भाव का स्वामी होकर छठे आठवें स्पेशली आठवें भाव से जुड़ता है तो कैंसर जैसे रोगों का भी कारक होता है, या पित्त के या लीवर के रोग, लीवर के जो रोग हैं वो भी गुरु ही देता है। और जो भी वृद्धि मतलब मोटापा, हर चीज में जो ग्रोथ होती है वो गुरु का ही काम है। तो ये छठे या आठवें भाव से जुड़े, इनकी दशा अंतर दशा चले उस समय ये काफी हमें परेशान करते हैं, लेकिन शुभ ग्रह है ये, हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि शुक्र और गुरु ये दोनों शुभ ग्रह हैं। तो ये राज रोग देते हैं, आपको सेवा का पूरा मौका दिया जाता है, आप सेवा करवाते हैं, आराम करते हैं, इस तरह के रोग ये देते हैं आपको। दुख जैसे शनि जो दुख प्रदान करता है वैसा दुख नहीं देता, इसी प्रकार मंगल जो है दुर्घटना में आदमी को बहुत कष्ट देता है, तो ये राज रोग देते हैं गुरु। तो इसलिए गुरु इसमें कष्ट तो देता है लेकिन वो सहन करने योग्य होता है, आदमी जीवन चलता रहता है। इसके बाद हमारी कन्या राशि लग्न आती है, कन्या लग्न के लिए भी गुरु ही है बाधक भाव का स्वामी, तो चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है।
सुख सुविधा भोगने वाला, जो सुख सुविधा युक्त जीवन जो है उनको तकलीफ देता है। यहाँ पर जो है यदि ये शुक्र से भी संयोग करता है गुरु किसी भी तरह से, तो डायबिटीज जैसी बीमारियां देता है, वो भी राजयोगी क्या लाता है, राजरोग। या फिर गुरु बीपी भी दे सकता है, हाई बीपी। शनि यदि लो बीपी देता है तो गुरु हाई बीपी देता है, तो बीपी वगैरह देगा। लेकिन ये बेयरेबल रहते हैं, सहन करने योग्य रोग रहते हैं। किसी किसी के जो है, जैसे शनि पंचम छठे दोनों भाव का स्वामी है, तो कभी कभी ऐसे रोग होते हैं जो लिंगर ऑन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक नहीं होते, है ना। और वो अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि अष्टमेश है, जैसे मंगल अष्टमेश इनको अचानक दुर्घटना के योग बनाता है और बचा भी सकता है, या ब्लड से रिलेटेड तकलीफें दे सकता है, उसको गुरु बढ़ाने में तकलीफ सहायक सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम यदि धनु लग्न पर आए तो यहाँ पर हमारे बुध आ जाता है, सप्तम भाव। अब बुध की नेचर कैसी है, नसों नाड़ियों का कारक है, बुद्धि का कारक है ना, हमारी नर्वस सिस्टम का कारक है। तो यदि एक अकारक भावों के स्वामी 1/6 या 1/8 या 1/12 से जुड़ता है तो हमें नर्वसनेस के रोग अधिकतर देता है। चंद्रमा से जुड़ता है तो पागलपन तक भी दे सकता है ना। धनु लग्न है, इसमें चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है। हाँ। तो चंद्र और बुध बुध मिलके उसको मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त या अजीब अजीब सी हरकतें करने वाला व्यक्ति बना सकते हैं। सबके लिए ऐसा होगा ये आवश्यक नहीं है, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम ये चीज बता रहे हैं कि चंद्रमा अष्टमेश है और यदि उसका संबंध लग्न से होता है, वो लग्न पर ही चला जाता है, और बुध से भी उसका कोई संबंध बनता है, तो इनकी दशा अंतर दशा में उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मानसिक रूप से मेंटल प्रॉब्लम, वो स्ट्रेस के कारण भी हो सकती है, हो सकती है, मेन ये है। लेकिन गुरु जो है वो आराम रखता है। इसके बाद आती है अंत में मीन राशि। मीन राशि के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी बुध ही है, वहां कन्या राशि आती है जी। और इनके लिए जो चंद्रमा, मीन राशि के लिए चंद्रमा पंचमेश होता है, तो ये लोग भावुक होते हुए भी बहुत ही मानसिक रूप से अच्छे रहते हैं, चंद्रमा यदि वेल पॉजिटेड है तो। लेकिन बुध से बुध जब भी कोई बीमार पड़ेगा, इसके इनके लिए छठा भाव सूर्य का है, है ना। अष्टम भाव जो है वो इनका आता है शुक्र, शुक्र आ जाता है इनके लिए। शुक्र और गुरु की जो युति है ये सबसे खतरनाक है। एक तो मोटापा देती है, दूसरे शुगर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो भी देने में सहायक सिद्ध होती है। बाकी सूर्य जो है इम्यूनिटी कम करता है, सूर्य और बुध तो साथ ही रहते हैं, तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। यदि ये जुड़ते हैं, इनका लग्न से संबंध बनता है और इनकी दशा अंतर दशा भी चलती है, तो ऐसा संभव हो सकता है। इसी प्रकार शुक्र का तो हमने देख ही लिया कि शुक्र अष्टमेश है, यदि वो लग्न से जुड़ता है तो एक तरफ तो आदमी को कलाकार भी बनाता है उच्च काश, लेकिन दूसरी तरफ उसको जो तकलीफ देनी है यदि बुध भी उसके साथ जुड़ गया है, जो कि आगे पीछे ही रहता है, तो वो तकलीफ भी देगा। वो व्यक्ति बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, रोना धोना शुरू करेगा, इस तरह की परेशानियां वो दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाधक भाव के स्वामी या वहां स्थित ग्रह, उनकी जब भी दशा अंतरदशा चले या फिर और उनका संबंध लग्न छठा, लग्न आठवां या लग्न बारहवें से जुड़े, तो वो कुछ ना कुछ हमारे स्वास्थ्य में जो भी बीमारी चल रही होती है उसको बढ़ाते का काम करते हैं, उसको ठीक नहीं करते। और यदि मार्केश की दशा अंतरदशा चल रही होती है, हमारी आयु पूरी हो गई है और हम मृत्यु के निकट हैं, तो हमारे बाधक ग्रह हमें हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक भी ले जाते हैं। इसलिए हमें इनका ध्यान रखते हुए बहुत ज्यादा अन्य चीजों में ये बाधक पहुंचाएंगे, जैसे शादी ही नहीं करने देगा, ऐसा थोड़ी होता है कि सप्तम भाव का स्वामी है तो विवाह नहीं होगा, विवाह भी होता है, व्यक्ति व्यापार भी करता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली को गहराई से देखकर हम यदि देखेंगे तो उनके हम मानसिक रूप से उनको शांति और सुख प्रदान कर सकते हैं, उनको चिंता मुक्त कर सकते हैं। और हम हर चीज के लिए यदि डरे रहें तो हो सकता है कि हम वैसे ही ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करते हैं और
वो ऊर्जा हमारे लिए खराब भी कर सकती है। नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ऐसा सोच के हमें चलना चाहिए। हर ग्रह हमारे लिए अच्छे फल भी देने वाला है और खराब फल भी देने वाला है। छठा आठवां बारहवां भाव हमें हमारी कुंडली में है, हमें उनसे संबंधित फल भोगने ही हैं, डरना नहीं चाहिए। कोई भी दशा अंतर्दशा है, हमें उन सबके फल, अगर हम अच्छे फल चाहते हैं, हम गुलाब चाहते हैं, तो हमें कांटे से नहीं डरना चाहिए। जी, तो इसी बहुत सुंदर व्याख्यान के साथ हम वापस बताएं कि उत्तरा दीदी का केपी का कोर्स कृष्णमूर्ति पद्धति किस प्रकार है। एक हम वीडियो और करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं उस कोर्स में। हिंदी में है ये कोर्स, तो यदि आप की रुचि है और आप दीदी से सीखना चाहते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। आप इस लिंक को फॉलो करें, नीचे दिए हुए लिंक को फॉलो करें और वेबसाइट पे सारी डिटेल्स की जानकारी है। इसी के साथ दीदी फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक। नमस्कार।